फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव है। आपने वैसे ध्यान दिया होगा, नहीं ध्यान दिया होगा फ्रेंड। देखिए, जो है एक ही आई ड्रॉप का ढक्कन है, इसके सेंटर में आपने देखा होगा कि कुछ पतला सा, ये आपको दिख रहा होगा वैसे, ये एक पतला सा कुछ नीडल टाइप का दिख रहा है। ये किस लिए होता है आपने गौर किया होगा कभी? तब आप आई ड्रॉप लेके आते तो फिर आप कई लोग फिर उसके बाद एक नीडल या फिर सुई वगैरह ढूंढते हैं उसमें होल करने के लिए। पर ये जो कंपनी है आई ड्रॉप की, ये आपको इन्फेक्शन नहीं हो इसके लिए पहले ही वो आपको प्रोवाइड करके देती है। इसके कैप में एक नीडल टाइप का आपको सुई या फिर किसी भी चीज़ को, सुई या फिर आलपिन वगैरह ढूंढते हो, हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए पहले ही वो दवाई कंपनी भी और डॉक्टर रिसर्च जो किए होते हैं वो पहले ही आपको इसमें प्रोवाइड करके रहते हैं, देते हैं। इसका जो ढक्कन रहता है उसमें एक नीडल टाइप का प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप क्या करो, ये तब कंपनी से आता तब तो पैक रहता है इसका, ये यहाँ पर एक टाइट नहीं रहता है, ये सिर्फ इतने ढीले तक में ही दी जाती है। तब आप ला के इसको आप टाइट करोगे, तब फुल टाइट करोगे तो इससे ऑटोमेटिक, मतलब ये तो ये टिप से ऊपर ऊपर रहता तब आती है, आप लेके आते हो तब ये पैक रहता है इसके ऊपर। बाकी तब आप इसको लाकर इसको आप तो पूरा टाइट करोगे तो इसमें जो आपको दिख रहा होगा अंदर नीडल टाइप का, वो इसके अंदर इंसर्ट होता है और इसके अंदर होल कर देता है। देखिए इसमें भी है, लगभग सभी आई ड्रॉप में ये चीज़ प्रोवाइड होती है। आपको नीडल या कुछ डालना भी नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है आपको उससे इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि आपने सुई पहले कहाँ यूज़ में ली है या अल्पिन कहाँ यूज़ में ली है या फिर उसके ऊपर जंग लगी हुई हो, इसलिए यूज़ भी नहीं करना चाहिए आपको। प्रोवाइड की जाती है पहले से ही, और जो क्रीम की भी बहुत सी रहती है। वैसे मेरे पास अभी उस टाइप का क्रीम है नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये आई ड्रॉप है वैसे ही आजकल तो वैसे यहाँ कागज़ की सील आने लगी है इसकी टिप पे, जो आप इजीली रिमूव कर सकते हो हाथ से ही। पर बहुत सी इसमें क्या रहता है, टिन की लगी हुई रहती है जो हार्ड होती है, तो उसकी जो ये कैप रहती है या इसके कैप के बैक साइड में यहाँ पर एक जैसे ये इसके इस कैप के अंदर आई ड्रॉप के कैप के अंदर बना था जैसे ही यहाँ पॉइंटेड बना हुआ रहता है इसके अंदर, तो उसको तब आप उसमें क्या करना होता है, जब ये ऐसे तो कागज़ का होता है वो तो आप हाथ से निकाल सकते हो, पर कहीं केस बहुत से ट्यूब ऐसा है जिसमें यहाँ टिन का रहता है उसमें, उस केस में कहीं पीछे दिया रहता है, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, यूँ इसको उल्टा कीजिए और यूँ करके दबा दीजिए। दबाने से क्या होता है, उसमें जो टीन वाली जो रहती है उसमें होल हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि इस केस में भी वही ये आई ड्रॉप जैसा होता है कि अगर आप इसमें इसमें आलपिन तो आप डलेगी भी नहीं, वो टूट जाती है जो टीन की रहती है उसमें, पर आप खील डालोगे तो हो सकता है वो जंग लगी हो या कुछ कहीं से उसमें इन्फेक्शन जैसा हो सकता है, इसलिए मतलब उसी के बैक साइड में दिया जाता है। आप कहाँ ढूंढोगे क्या एकदम से, इसलिए मतलब उसी में वो प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ आपको पहले पता थी या नहीं थी। थैंक यू फ्रेंड्स।